हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, जो तो नो हैप्पी न्यू ईयर, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं थोड़ा पतली हो गई, देखो आप लोग देख सकती हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले मेरा ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया था, मेरा तबीयत खराब हो गई थी। वहाँ से जो मैं प्रोग्राम करने के लिए गई, राजस्थान से प्रोग्राम करके वहाँ दिल्ली में आई थी, दिल्ली से मेरा तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं थोड़ा पतली हो गई। अभी आज तो न्यू ईयर है, सो नहीं यार कुछ पति नहीं है, मैं घर में था लेकिन मम्मी के साथ थोड़ा लड़ाई करके यहाँ पर रेंट पे आ गई है। सो इसलिए मैं यहाँ पर अभी अकेले नहीं हूँ, मेरा बहन है उधर, वो बात कर रही है मोबाइल से। अभी हम लोग अवांग सोकरांग खाऊंगी, मैं बना रही हूँ, बहुत नहीं आती। अवांग सोकरांग एंड वाहन मोसडेंग तो पक चुकी है। ये देखो, ये रेडी करके यहाँ पर शुलर के ऊपर दे दिया मैं, और ये तो पक चुकी है। अभी मोसडेंग बनाऊंगी मैं और उसके बाद अवांग सोकरांग। सो ये यहाँ पर सिर्फ नमक और तेल डाल के रखा था। अभी यहाँ पर मैं जिंजर एंड ओनियन डाल दूँगी और थोड़ा वो पत्ता भी डाल दूँगी। आप लोग देखते रहना। ये देखो, अभी ये मैं चावल यहाँ पर डाल दूँगी इसको। और ये तो मेरा देखो पक चुकी है ये अवांग सोकरांग। अभी मैं वो मेरा बहन को गर्मी उसकी मम्मी और उसकी भाई को खिलाने के लिए पैकिंग करके अभी दे रही हूँ। ये देखो, यहाँ पर पैक करके दे दिया। ये देखो अवांग सोकरांग, उसकी यहाँ का ढक्कन किधर गया पता नहीं, वो स्विगी का ढक्कन दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये अभी हम लोग खाओगे। किस किस को अवांग सोकरांग पसंद है कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या है, क्यों हंस रही हो इतना यहाँ पर? और ये पकाने के बाद ये यहाँ पर और दूसरी बार दिया था मैं, ये अभी तक नहीं हुई। बहुत टाइम लगेगा। अवांग सोकरांग। हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर फिर से, एंड ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से मेरे सब्सक्राइब लोगों को, और जो जो मेरा वीडियो देख रही हो उन लोगों को भी मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो अकेले हूँ घर पे, क्योंकि आज मतलब मैं आज ए वो फिर से चला गया। मैंने वो घर पे मैंने सोच के गई थी न्यू ईयर में घर पे आज मतलब
दिस ईयर में सेलिब्रेट करूँगी मम्मी और पापा के साथ और भाई भाभी के साथ रह के सेलिब्रेट करेंगे सोच के गए थे मैं, लेकिन मम्मी के साथ मेरा झगड़ा हो गया बहुत बड़ा, वो भी क्रीम की वजह से, थोड़ा सा क्रीम की वजह से, वो फेस का क्रीम की वजह से मम्मी के साथ मैं लड़ाई करके आ गई। स्कूटी भी लेके नहीं आया मैं, स्कूटी भी घर पे सो के आ गया, और रैन का वो चाबी है ना वो भी लेके नहीं आया, ओनली पार्ट्स लेके आया, सो इसलिए वो लोग सोच रहे होंगे घर की बात क्यों बता रही हो, ये लड़की पागल है क्या, ऐसे ऐसे बहुत लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मैं नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी, मेरा आप लोगों से बताने से मेरा वो मन का वो बोझ है निकल जाती है और मन बहुत हल्का सा फील होती है, सो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, और मम्मी के साथ जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मम्मी को दिखाऊंगी, अगर हम लोग ठीक हुई तो मैं तो माँ को अभी तक ब्लॉग करके रखा था, और ओनली बब्बी और भैया और पापा बाबू को मैंने अनब्लॉक मतलब ब्लॉक पे नहीं रखा, माँ को तो ब्लॉक कर दिया अभी ऑलरेडी, जब घर से निकलते समय ब्लॉक कर दिया। सो 2022 तो आज हम लोगों को छड़ के चला जाऊंगी, सब कुछ छोड़ के जाऊंगी, और हम लोग सब मिलके 2023 को वेलकम करेंगे। सो मैं सोच रही हूँ 2022 तो ऐसे ही चले गई, कुछ खाते पीते घूम के ऐसे चला गया, वन ईयर कब चला गया पता नहीं चला। सो 2023 में मैं सोच रही हूँ माँ बाबा को मैं कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, सो आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना, मैं कुछ बन के दिखा पाऊँ मेरे माँ बाबा को, आप लोग प्रे करूँगी तो आई होप मैं हो जाऊँगी जो मैं चाहती हूँ। सो ऐसे ही मैं आप लोगों को शेयर किया, आप लोग प्लीज़ प्रे करना। ये देखो 12 बजने वाली है और 5 मिनट बाकी रह गई 12 बजने में, सो आप लोग भी शायद। तो आज का ब्लॉग इतना ही होंगे, जतनन हर कहां सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, सो टाटा बाय बाय स्वीट ड्रीम। हां बाबा बाजी सो चलाऊंगी, ये देखो नखराई को ठंड नहीं लगा क्या?